श्रीश्वान मस्तुभ्यम भक्तो, आज हम आपके लिए गुरु जी की जो सीहोर वाली कथा है उसमें उन्होंने जो दो खास नए उपाय बताए थे उनके लिए उपाय लेकर आए हैं। गुरु जी ने इस उपाय को बताते हुए कहा था कि वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, किंतु यदि यह जो शनिवार की तिथि आ रही है, यह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है जो कि फाल्गुन मास की सप्तमी तिथि है, इस दिन उपाय कर लोगे तो और भी ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा। गुरु जी के बताए गए उपायों में से एक उपाय जो है वो पीपल के पेड़ का है, जिसकी वजह से पीपल का पेड़ का उपाय यदि आप शनिवार को कर लेते हो तो आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट कटने लग जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए पहले उपाय की बात करते हैं। गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के मुताबिक यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो आपको तीन विशेष कर फायदे होने वाले हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन का पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा, वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। गुरु जी ने बताया है कि यदि आपको पंडित ने स्पेशली कहा हो कि आपके घर में ये सब ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि या तो उनके जीवन में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, यदि इन सब रीजन की वजह से आपको पंडित जी ने कोई विशेष पूजा भी बताई होगी तो इस उपाय को करने के बाद आपको वह विशेष पूजा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरु जी के मुताबिक यह जो उपाय है बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है और केवल एक बार करने से आपके जीवन की जो दोषों संबंधी समस्या होगी वह दूर हो जाएगी। तो आइए गुरु जी द्वारा बताए गए इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको शनिवार के दिन इस उपाय को करना है, किंतु इस उपाय की जो तैयारी होगी आपने शुक्रवार से शुरू कर देनी है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक थाली ले लेनी है जो कि आपको शुक्रवार के दिन शाम को ले लेनी है। अब इस थाली के साथ साथ आपको एक लोटा जल की ज़रूरत होगी, किंतु यह एक लोटा जल आपने जो इस्तेमाल करना है यह आपने शनिवार को इस्तेमाल करना है। तो आपने जो थाली ले लेनी है आपने शुक्रवार को लेनी है और जो यह जल होगा आपने शनिवार को लेना है। किस प्रकार से करना है तो आइए इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले शुक्रवार की शाम को आपने कोई भी थाली ले लेनी है, जो थोड़ी सी बड़ी हो वैसी ही थाली लेने की कोशिश कीजिएगा। अब आपने शाम के समय में पहुँच जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। अब वहाँ पर आपने इस पीपल के पेड़ के नीचे ही इस थाल को रख देना है। गुरु जी ने बताया है कि पीपल के पेड़ के पत्तों से, पीपल के पेड़ की तनों से ऐसा जल निकलता है, ऐसी कुछ बूंदें निकलती हैं जिसकी वजह से आपके जीवन के कष्ट कटते हैं, किंतु यह जो बूंदें होती हैं इनसे जो जल निकलता है यह है रात के समय में निकलता है, इसलिए आपने इस थाल को वहीं पर ही छोड़ आना है। याद रहे आपने वहाँ पर ही इसको छोड़ना है जहाँ पर आपको दिख रहा हो कि यहाँ से पीपल की जो पत्तियाँ हैं, पीपल की जो टानियाँ हैं आसानी से नीचे की तरफ गिर रही हैं, अर्थात जो पेड़ है वह पूरी तरह से थाली को ढक जाए। तो आपने ठीक उस प्रकार से एक पीपल का पेड़ जो बड़ा होगा वैसा ढूंढ लेना है और वहीं पर इस थाल को आपने शुक्रवार को छोड़ आना है। अब आपने शनिवार के दिन सुबह सुबह इस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है और इस थाल को उठा लेना है। जब आप इस थाल को उठाओगे तब आप नोट करोगे कि उस थाल के ऊपर कुछ ना कुछ जल की बूंदें गिरी हुई हैं और केवल इस जल से ही आपने इस उपाय को करना है। साथ में आपको एक लोटा जल साथ में रख लेना है जो कि शनिवार के दिन आपने सुबह सुबह ही लेना है। अब केवल इन दो सामग्रियों से आपने इस उपाय को करना है। करना क्या है, जो आपके थाल में जो जल आया होगा चाहे एक बूंद हो दो बूंद हो आपने उसको अपने पास में रख लेना है। अब आपने इस बूंदों को और साथ में इस लोटे को जल को लेकर आपने पहुंच जाना है शिवालय और वहां पर आपने किस प्रकार से इस थाल की बूंद का इस्तेमाल करना है आइए समझते हैं। गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को करने के लिए आपने अपनी अनामिका उंगली को इस थाल के बीच में लगा देनी है और इसकी जो जल होगा जो आपने अपने थाल में इकट्ठा किया है आपने अपनी अनामिका उंगली पर लगा लेना है। केवल एक जल की बूंद से ही आपने इस उपाय को करना है। जब आपने अनामिका उंगली से इस थाल में इस जल की बूंद को लगा लेना है तब आपने यह जो जलाधारी होती है जिस प्रकार से हम वीडियो में दिखा रहे हैं आप देखिए ज़रा ध्यान से, अशोक सुंदरी और जो जल जहाँ से बहकर जा रहा होगा उसके बीच में जो स्थान होता है, बिल्कुल जो जल के गिरने वाला जो स्थान होता है उसके कोने से थोड़ा से पहले जो स्थान होगा
वहाँ पर आपने इसकी एक बिंदी लगा देनी है, जिस प्रकार से हम वीडियो में दिखा रहे हैं। ना आपने शोक सुंदरी पर लगानी है, ना आपने बिल्कुल कोने पर लगानी है, उनके बीच का जो स्थान होगा वहाँ पर आपने एक बिंदी लगा देनी है। उसके बाद आपके पास जो ये एक लोटा जल है, आपने श्री शिवाय नमः तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जब आपने जल समर्पित करना है, धीरे धीरे समर्पित करना है, अपने जीवन की समस्या आपने नाम और गोत्र लेकर कह देनी है। जब यह जल अशोक सुंदरी वाले स्थान से बहकर जा रहा होगा, थोड़ा सा जल आपको वापस इकट्ठा कर लेना है। आप चाहो तो इसी लोटे के बीच में इस जल को इकट्ठा कर ले, या आप अलग से भी एक कटोरी ला सकते हो। अब करना क्या है, यह जो जल आपने इकट्ठा कर लिया है, आपने पहुंच जाना है अपने घर में। पूरे घर में आपने इसका छिड़काव कर देना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी इंसान अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस उपाय को कर लेता है, उसके घर का वास्तु दोष हो, उसके जीवन का काल सर्प दोष हो या पितृ दोष हो, वो तुरंत का तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो गुरुजी द्वारा बताए गए आपने इस उपाय को जरूर कर लेना है। बस नियम का ध्यान जरूर रखना है कि थाली जो है आपने शुक्रवार को रख देनी है और थाली को शनिवार की सुबह उठा लेना है। एक लोटा जल घर से भर के लेके जाना है। तो आइए गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की बात करते हैं। गुरुजी द्वारा जो बताया गया दूसरा उपाय है, यह भी नया उपाय है। इस उपाय को करने से जो सबसे बड़ा फायदा है, आपके जीवन में धन संबंधी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कभी भी आपको अपने जीवन में या आने वाली पुश्तों को धन संबंधी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। गुरुजी ने बताया है इस उपाय को करने से आने वाली पीढ़ियों के दुख भी कट जाते हैं, धन संबंधी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी एक लोटा जल की। तांबे का लोटा होना चाहिए। घर से जल भर के लेके जाना है। साथ में आपको एक बेल पत्थर ले लेना है, एक शम्मी का पत्थर ले लेना है। यदि शम्मी का पत्ता ना हो तो उस अवस्था में आपको एक अक्षत का दाना ले लेना है, यह खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में आपको ज़रूरत होगी एक लाल फूल की। अब जब गुरुजी ने एक लाल फूल की बात की है, तो उन्होंने ये नहीं बताया है कि कौन सा लाल फूल लेना है। इस अवस्था में आपको कोई भी लाल फूल ले लेना है। हम आपको सलाह देंगे कि गुड़हल का फूल ले लें, क्योंकि यह लाल फूल बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ ही आपको कोई भी एक सफ़ेद फूल ले लेना है। केवल इन सामग्रियों से ही आपने इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए पहुंच जाना है शिवालय, और वहां पर आपने सबसे पहले यह एक लोटा जल महादेव पर समर्पित कर देना है। जब आपने जल समर्पित करना है, तब आपको कांता भगवान का नाम ले लेना है। उसके बाद आपके पास जो यह चार सामग्रियाँ हैं, आपने फिर से कांता भगवान और साथ में आपको शिव नारायण को याद करते हुए ये चारों वस्तुएं आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। इस उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हो। यदि शनिवार को कर लेते हो तो और भी ज़्यादा प्रभावकारी रहने वाला है, क्योंकि यह जो शनिवार की तिथि है, यह शनिवार की सप्तमी तिथि है, जिसकी वजह से दिन खास रहेगा। तो आपने ज़रूर इस दिन इस उपाय को कर लेना है। हम आपको बता दें, यह जो फाल्गुन मास की सप्तमी तिथि है, जो कि शुक्ल पक्ष में आ रही है, इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा। साथ साथ में प्रीति योग के साथ साथ आयुष्मान योग भी रहेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन के कष्ट शीघ्र ही कट जाएंगे। किंतु फिर भी आप इस उपाय को यदि इस शनिवार को नहीं कर पाते हो, तो किसी भी दिन आपने अपने जीवन काल में इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना है। दोनों उपाय बहुत ज़्यादा विशेष हैं, बहुत ज़्यादा खास हैं और शिव पुराण के बहुत ज़्यादा विशेष उपाय हैं। तो गुरु जी द्वारा बताए गए इनमें से कोई भी एक विशेष उपाय अपने जीवन की समस्या हेतु आप अवश्य कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री श्वाइन मस्तुभ्यम लिखना नहीं भूलेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोस बनाने के लिए। जिनको इस वीडियो की जरूरत होगी, वहां तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके और आपकी भी। श्री श्वाइन मस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।